हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा और प्यार से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, पर अभी मैं कुछ ठीक हूँ, बेहतर हूँ। और आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और जिनके भी घर में छठ पूजा हो रहा है उन सभी माताओं को मेरे तरफ से प्रणाम कहिएगा। और आज के इस ब्लॉग में मैं ये दिखाऊंगी कि आज है लोहंडा, मतलब प्रसाद खाने का दिन, शाम में प्रसाद खाया जाता है। और अभी मैं सुबह उठी हूँ, 10 बजे उठी हूँ, अपने ससुराल में हूँ और इतना लेट उठी हूँ, ये गजब की बात है। आप लोग सोच रहे होंगे वाह क्या बात है, ये नसीब सबको मिले, तो ज़रूर ज़रूर सबको क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिल। अभी तो लाइट नहीं है और अभी हम घर का पूरा साफ़ सफाई करने के लिए रेडी हो गए हैं, पूरा रूम को खाली कर चुके हैं, देखिए ऊपर से नीचे तक वहाँ पे मैंने कपड़ा रख दिया है, कपड़े के ऊपर से कपड़ा ढक दिया है ताकि उसमें गंदा धूल ना पड़े। तो आप जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि कल था नहाए खाए और आज है लोहंडा प्रसाद खाने का दिन, तो आप लोग भी जरूर प्रसाद खाने के लिए आइएगा जरूर। व्रत की कुछ खासियत बताया जाए मेरे भाई, तो आपने कल के दिन में देखा होगा कल नहाए खाए था, उसका मतलब ये था कि नहा करके आप खा सकते हो, मतलब खरना कर सकते हो, वो पहला दिन शुरुआती था, ठीक है। आज जो उसे लोहंडा कह सकते हो, खरना कह सकते हो, प्रसाद जिस दिन ग्रहण किया जाता, पर ये प्रसाद ग्रहण करने का अलग रूल है, ये शाम में किया जाएगा, मतलब शाम में इसका मुंह जूठा होगा, मतलब सारा दिन आज फास्टिंग पे रहना है मम्मी को और शाम में वो खाएगी, ठीक है। और खाना में बहुत प्रकार के बनते हैं बहुतों के घर में, जैसे किसी घर में खीर बनेगा, किसी घर में बनेगा दाल और चावल रहता है, उसके साथ छोटा छोटा रोटी जिसको लिट्टी भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी क्या बनता है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, रसिया बोलते हैं, रसिया कोई कंट्री नहीं, रसिया होता है एक खाना ही होता है, मीठा ही रहता, खीर की तरह ही रहता है पर उसका कलर थोड़ा सा चेंज रहता है, ऐसा है जी। तो आज देखिएगा शाम में A to Z दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा, सो वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तो फिलहाल निशा सफाई वगैरह कर रही थी जो कि आपको दिखाई दी है, बाकी कंटिन्यू ही देखिए निशा जी कितना सफाई कर रही है, अभी तो बाल्टा से पानी ला ला करके यहाँ पूरा देखो घर भीगा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ तक पूरा ये धोइए, उस रूम में भी देखो पानी आ रहा है, वहाँ भी धोइए, यहाँ सीढ़ी भी धोइए और पूरा धुलाई कर रही है, पूरे घर की सफाई कर रही है और इतना कपड़ा भी धोएगी। मेरा जो नया कपड़ा है जो दशहरा मैंने सिर्फ एक बार पहना था वो भी धुलेगा, ये कुर्ता भी धुलेगा, निशा का दशहरा का कपड़ा ये धुलेगा, ये मेरा स्क्रैच जींस धुलेगा, ये मेरी गंजी धुलेगी, और ये देखो ये जो है मेरा नया शर्ट है, बिल्कुल भाई बड़ा ही बुरा लगता है लेकिन धुलाने में कि बिल्कुल ये नया है, ये भी अभी धुलेगा, एक ही बार सिर्फ इन सबको पहने हैं, सब ये सब धुलने देखो जा रहा है। थोड़ा सा मैं ये शर्ट पहना हूँ जो मेरा फेवरेट शर्ट है, ये भी आया था जींस का कलर का, मेरे को शर्ट चाहिए था जो डिट्टो जींस जैसा दिखता है वैसा, ये बिल्कुल ये आपको पूरा ये ब्लू दिख रहा होगा पर इसमें डॉट डॉट है वाइट वाइट छोटा छोटा, जैसे बिल्कुल लग रहा है कि जींस का ही शर्ट है, ये अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो इसे अभी धो देगी निशा, तो थोड़ा सा मेरा दिल किया चलो लास्ट वाली से पहन लेते हैं, उसके बाद तो धुल ही जाएगा। तो देखिए अभी इस रूम की सफाई करना है, पूरा धोना है इस रूम को बढ़िया से, क्योंकि इसी रूम में होगा छठ पूजा ना, जैसा कि आपने देखा ही था कि खरना भी इसी में हुआ था, वो रहा चूल्हा A to Z, इसको धोना है मुझे, मेरे को ही जिम्मेवारी मिला है, तो धो करके मिलते हैं। मैंने धो दिया A to Z, आपको भीगा भीगा दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा बहुत टीवी पे पड़ गया, मम्मी इस गाली ना सुनने को मिल जाए, इधर भी चकाचक हो गया जी, देख लो आप लोग भी, थोड़ा बहुत पंखा में भी पानी पड़ गया, ऊपर भी थोड़ा बहुत पड़ गया, बाकी देख लीजिए बिल्कुल चकाचक, देख लो बाल वाल बना करके जी आ गए, देख लीजिए मेरा बाल वाल पूरा, दाढ़ी वाड़ी सब सेव करा लिए A to Z। और बाकी चलिए नीचे चलते हैं, नीचे जो है खाना बनाने का तैयारी लगे, अब जो है प्रसाद वगैरह बनेगा समझे। तो ये रही हमारी प्यारी बहन गायत्री, उसको बैक कैमरा दिखा, ये देखिए हमारी प्यारी बहन गायत्री जो है सब कुछ दिखा रही है आपको, बर्तन उर्तन गायत्री है वो, और उधर देखो आम का लकड़ी होगा, लकड़ी से प्रसाद बनाया जाता है जो आपको बताते चल रहे हैं, और वही चूल्हा अपना बनेगा जो हम दिए हैं वहाँ पे, देख लो। तो देखिए गायत्री फिलहाल तो सब कुछ कर रही है, ये सारा देख लो A to Z है, इसमें भी होगा कुछ सामान रखा हुआ है। हाँ ये जो प्रसाद है घड़ा में बनाना चाहिए, तो देखिए घड़ा ये आ चुका है, ये मतलब ऐसा बर्तन में बनाना है जी कि जूठा नहीं हुआ हो कभी, तो भाई घर का तो सब बर्तन समझ लो एक तरह जूठा के ही समान है, और मिट्टी इतना तो शुद्ध हम कहेंगे नहीं कुछ होता है जी, मिट्टी एक तरह से शुद्ध है बस, तो वही मिट्टी का बर्तन में बनेगा। अब तो देखिए हमारी प्यारी बहन गायत्री बना रही है प्रसाद, अब मैं फलस जलाता हूँ, ऐसे मौके पर ही बिजली चला गया, पूरा धुआँ धुआँ हो रहा है, ये चूल्हा पे खाना बन रहा है, बढ़िया है चूल्हा बहन, सही बन रहा है उस पर,
बनाओ। ये रहा देखिए चावल, क्या बनता है अपने के यहाँ? दाल चावल। रसिया। अच्छा रसिया बनेगा। चलो अभी सिर्फ पानी हो रहा है गर्म, उसके बाद क्या डलेगा? चावल और दूध वगैरह। दूध रसिया में दूध नहीं पड़ता है। अच्छा तो सिर्फ चावल बनाएगी, और मीठा कैसे होगा फिर वो? उसमें जब चावल खराब हो जाएगा तो उसमें डालेंगे। अच्छा देखिएगा कैसे कैसे बनाती है हमारी प्यारी बहन। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, बाल बाल कटा के आया हूँ, नहाऊंगा जाकर के। अभी जाकर के तुम ही बना देगी सारा खाना, तुमको आता है बनाने? सच्ची? पिछले बार कौन बनाया था? ओ भाई चलो बढ़िया है। मम्मी तो दिख नहीं रही है, दतमन अब अभी करेगी। समय देख लो भाई, आई अभी तक 6 भी नहीं बजले, इतना अंधार, पूरा सन्नाटा। ओ भाई देख रहा है खाना, देखिए बन रहा है इसमें घड़ा में, एकदम नेचुरल लग रहा है। अब हम लोग पुराना जमाना पहुंच गए, मिट्टी के बर्तन में खाना। ये जो है दूसरा दिन का डे 2 है, जैसा कि आपको बताए थे आज है ये। इसको ऐसे हम लोग लोहंडा भी कहते हैं, बट आप लोग इसे खरना कह सकते हो। ये खरना का प्रसाद है जो बन रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए मीसा जी कैमरा मैन इस बार बनी है और दिखा रही है। इधर देखिए घी वगैरह दिया में भरा हुआ है, पहले पूजा वगैरह होगा, धुआं धुआं जलेगा, झाड़ा फूटी होगा। हाँ वो सब में प्रसाद वगैरह रहेगा। बताओ और कुछ ही रहेगा? बताओ तुम्हें कुछ परसेंट ये बन चुका है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, तो ये रहा देखिए हमारा इसमें जिसमें बन रहा है प्रसाद। और यहाँ आँच लग रहा है, इससे लगता है त्रेता युग में पहुँच गए हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तनों पे खाना है बना करके, अलग टेस्ट मिलेगा। ये देखिए दूध वगैरह इसमें मिलाया जाएगा ना, तो वही सब देख लीजिए। हमने चेक कर लिया ए टू जेड देख लिए कि चावल कैसा है, तो दिख गया वो तब। अब इसको ढकने की आवश्यकता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ढकते हैं ताकि एयर भी निकले, और प्लस इसको उठाने में छोलने से आसान हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल का काम है। तो प्रसाद जो अब रेडी हो चुका है, इसको उतारने का समय आ गया, बिल्कुल ये रेडी हो गया, तो देखते चलिए। ओ भाई मेरे से तो पॉसिबल नहीं, टूटेगा नहीं मम्मी? ना टूटता ऐसे आज डर कुछ ही लगा। हम भाई बहुत गर्म है, भाई गर्म बहुत था, आंखों में आंसू आ गए। चढ़ा भी ला तो रसिया यही होता है, देख लीजिए क्लोज से, जैसा कि मैंने सुबह में बोला था, तो यही है रसिया, बिल्कुल आग में भाप फेंक रहा है। बस ये भी बहुत छोटा छोटा है, ये सब रहने दो, चाहिए बना के बस मन भाई ने लगा के बस, तो बाद में लगा के बढ़िया से बात पनीर आओ ना ना देख लो ना चलो। करेगी तब शेयर करना इस प्रसाद को, सबको पिलाना है। अच्छा इसमें दूध वगैरह जो डाल करके बनता है,
सोनिशा जी कैसा लग रहा है छठ पूजा को देखते हुए? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग हैप्पी? मीसा जी को छठ पूजा बहुत पसंद है जी। अब मैं इसमें प्रसाद डालूंगा, ठीक है? अब आप वीडियो लो, मैं प्रसाद डालना चालू करता हूँ, ठीक है? अभी मैं प्रसाद अभी वितरण करने के लिए डाल रहा हूँ। डब्बू से डालो ना, ग्रहण नहीं करेगी, मतलब अपना उपवास नहीं तोड़ेगी तब तक नहीं किसी को खिला सकते। आज ये खाएंगी, उसके बाद कल दिन भर भूखे रहना है, परसों फिर खाएंगी मॉर्निंग में पूजा करने के बाद, जब दूसरी अर्घ पड़ेगा ना सुबह सुबह सूर्य भगवान को, तब खाएंगी। अब एकदम बिल्कुल, इसलिए मम्मी बढ़िया से खा लेना ताकि भूख वगैरह को थम पाओ। आशीर्वाद दीजिएगा भूख थमने। तो महापर्व है बिहारियों का, ऐसे आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा उसकी बातें करते हैं। आप लोगों को पता है छठ पूजा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? शायद कुछ लोगों को पता हो पर कुछ लोगों को नहीं होगा पता, तो हमारे माध्यम से उनको जानकारी देते हैं कि जब राम जी रावण का वध किए थे तो रावण तो एक पंडित था, और पंडित का हत्या करना, ब्राह्मण हत्या करना, मतलब 100 लोगों का शायद डेथ करने के बराबर होता था। सीधा 100 गायों का, हाँ 100 गायों का शायद, मतलब आपने, मतलब 100 गायों का समझ लो आपने जान ले लिया, उतना बड़ा वो पाप चढ़ता था। 100 गायों की हत्या का पाप एक ब्राह्मण को मारना, और राम भगवान ने उनका वध किया था रावण का, तो उसी के लिए सूरज भगवान का पूजा किया था उन्होंने। सूरज भगवान का पूजा कौन किया था? राम जी के लिए सीता माता किए थे, ठीक है? इसलिए सीता माता ने व्रत रखा था 4 दिन का। हाँ, उनका पाप वगैरह, मतलब जो उनसे गलती हुआ उसकी क्षमा मिल सके, इसलिए राम जी ने जब भगवान होकर के कर देते हैं सीता माता, तो हमारी मम्मी क्या, हम भी गुलाम ना करते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं है, सब करता कर करके टाल रही है क्या समझे। तो आप लोग जान गए ना क्यों हो रहा है छठ पूजा? बहुत लोग सोचते हैं बिहारी लोग क्यों जाता है छठ पूजा में, क्या बात है छठ पूजा का, तो आज जान लिए ना क्यों हो रहा है छठ पूजा। त्रेता युग से होता हुआ आ रहा है छठ पूजा, त्रेता युग समझ रहे ना, बस छठी मैया। आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए, आप लोगों की दुआएं पूर्ण कर देंगी हमारी माता छठ माता जी। अगरबत्ती के बाहर जाएंगे, जहां आपने कुछ देर पहले देखा होगा मम्मी को वहां पे। ये जो प्रसाद है इसका भी मुझे ग्रहण करना पड़ेगा, यानी प्रसाद को पाऊंगा मैं, प्रसाद पान करना है जी। और ये मेरा भाई बहन सबको खाना है, मीसा भी खा लेंगे। जैसा कि त्रेता युग में एक रूल है, पता नहीं वो रूल त्रेता में होगा या सब में होगा, पति का जूठा पत्नी खा सकती है, पत्नी का जूठा पति, तो मम्मी का जूठा पापा नहीं खा सकते हैं, पर हम लोग भी सबसे खा लेते हैं भाई। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि खरना वगैरह ए टू जेड देख लिए, अब सबको जाना है मुझे खिलाने के लिए, और लोग आएंगे बुला बुला करके लाना है, कुछ लोगों के घर तक पहुंचाना है प्रसाद, जिसमें प्लेट बनाए थे कुछ लोगों को पहुंचा देते हैं, कुछ लोगों को बुला के ले आते हैं, जैसे जो लोग आने में कम्फर्टेबल है वो आ जाते हैं, जो वहीं रुकने में कम्फर्टेबल है उनको पहुँचा जाते हैं, क्या समझे, ऐसा अब करना है उसी में लगना है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, अच्छा लगा होगा प्यारा सा लाइक देना, एक प्यारा सा कमेंट में लिखना, जय छठी मैया, आप लोगों के आशीर्वाद सपोर्ट हमारे साथ है, और छठ माता का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, कमेंट लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है? और अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों। कल देखेंगे पहली अरग का वीडियो, पहली अरग क्या होता है, कैसे क्या होता है सेलिब्रेशन। आज तो मम्मी खा लिए, जो भी खाना बना हुआ वो बस उतना ही, मम्मी को तो मीठा भी नहीं पसंद है और वही मीठा बना था, सोचो मम्मी तो थोड़ा सा खाइए, उसके बाद उसको सारा दिन कल भूखा रहना है, अर्घ जाएगी देने के लिए शाम पर, पहली अर्घ डूबते हुए सूरज की अर्घ पड़ेगा, उसके बाद उगते हुए सूर्य का अर्घ पड़ेगा नेक्स्ट डे, समझ रहे ना, वो 20 को एंड होगा उगते हुए सूर्य भगवान के अर्घ दे करके, कल है 19 तो वो पहली अर्घ होगा जो कि शाम में होता है, ठीक है? मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, जय छठी मैया की।